हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज मैं रियलमी सी 55 का FRP अनलॉक करके बताने वाला हूँ, जो कि लेटेस्ट वर्जन एंड्राइड 13 पे है, जो कि रियलमी के आल मॉडल पे वर्क करता है। अगर रियलमी के आपके पास कोई और सा भी फ़ोन है तो ये FRP ट्रिक्स एज इट इज सेम काम करेगी। तो फर्स्ट पर देख लेते हैं सेटअप करके कि इस पर FRP लॉक है या नहीं। फर्स्ट पर सेटअप करके आपको वाईफाई से अपने कनेक्ट कर लेना है इसको, उनको अभी भी क्लिक करना है। आपको अगर पैटर्न प्रीवियस पैटर्न पता है तो प्रीवियस पैटर्न डाल सकते हो, या आप कट कट के आपको अपना गूगल प्रीवियस गूगल अकाउंट डाल सकते हो। अगर दोनों नहीं याद है तो मैं बाईपास करके बताने वाला हूँ आपको आज। तो जैसे देख सकते हो वेरीफाई योर अकाउंट ऑनर अकाउंट मांग रहा है, जो इससे प्रीवियस में हार्ड रिसेट करने से पहले इसमें था, तो वो तो मेरे पास लॉस हो चुका है। तो फर्स्ट पर आपको क्या करना है, बैक आ जाना है होम पेज पे, वाईफाई बैक आना है। बैक आने के बाद वाईफाई सेटअप है जहाँ यहाँ पे आपको रुकना है, तो इस पर एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे करने के बाद नियर बाई पे क्लिक करना है। नियर बाई पे क्लिक करने के बाद टर्न ओवर करना है। टर्न ओवर नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। टर्न ओवर क्लिक करने के बाद आपको नीचे नीड हेल्प शेयरिंग एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। नीड हेल्प शेयरिंग पे करोगे तो एक पेज खुल के आ जाएगा आपके सामने हेल्प का। फिर आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है ऊपर। फिर आपको शेयर आर्टिकल पे क्लिक करना है। शेयर आर्टिकल पे करने के बाद आपको मैसेज का ऑप्शन मिल जाएगा। स्क्रॉल अप करने के बाद मैसेज पे क्लिक करना है। मैसेज पे क्लिक करना, न्यू मैसेज पे क्लिक कर देना है। फिर 1 to 1 टाइप कर लेना है ऊपर, सेंड टू 1 to 1। फिर आपको वो मैसेज में लिखना है www, इससे पहले क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद इसमें लिखना है www.google.com। www.youtube.com आपको इसमें लिखना है, ना कि गूगल। फिर आपको सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद आपको इस पर यूट्यूब पे 2-3 बार टाइप करना है। टाइप करने के बाद यूट्यूब ओपन हो जाएगा। यूट्यूब होने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। फिर आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल करने के बाद सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन देखा है हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, हिस्ट्री एंड प्राइवेसी करना है। फिर यूट्यूब टर्म एंड सर्विस पे क्लिक करना है। क्रोम ओपन हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लेना, नो थैंक्स। फिर आपको डालना है FRP बाईपास, सर्च कर लेना डाल के FRP बाईपास। फिर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। फिर आपको इसमें गूगल पे क्लिक कर लेना है, गूगल सर्च ऐप। तो आपको होम स्क्रीन पे गूगल खुल जाएगा। खुल करने के बाद आक्स वाले आपको फर्स्ट पर इसमें आपको सर्च करना है क्लोन। तो ऐसे तो आपको सर्च टैग से खुलेगा नहीं, तो आप क्लोन फोन, क्लोन फोन वॉइस पे बोलना है क्लोन फोन। तो थोड़ी देर बाद वॉइस पे अपने आप क्लोन फोन ओपन हो जाएगा। तो जैसा कि देख सकते हो फिर से आपको बोलना है इस पे टैग ओपन क्लोन फोन। अगर नहीं ओपन क्लोन फोन पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको इसमें न्यू डिवाइस सेलेक्ट कर लेना है, लेकिन आपको इसके लिए सेकंड फ़ोन चाहिए, कोई सा भी एक फ़ोन हो आपका एंड्रॉयड वगैरह। मेरे पास कोई फ़ोन नहीं था तो मैंने टैबलेट का यूज किया है। इसमें आपको प्ले स्टोर से क्लोन एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एक क्लोन फ़ोन वन प्लस ऐप का आता है, ये आप डाउनलोड कर ले, या एक ओप्पो का आता है वो डाउनलोड कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आपको कि वन प्लस का जो ये क्लोन फ़ोन है इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। जैसे कि देख सकते हो आपको प्ले स्टोर पर टाइप करना है क्लोन फ़ोन। क्लोन फ़ोन पर आपको नीचे मिल जाएगा क्लोन फ़ोन वन प्लस, इसको आपको इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सेटअप कर लेना है, जो परमिशन मांगे इसे प्रोवाइड कर देनी है। सेटिंग में जाना है ना, परमिशन अलाउ करने के बाद अलाउ ओके। आपका स्कैनर एक खुल के आ जाएगा, इसमें आपको न्यू फ़ोन पे करना है। आपको जो फ़ोन इसमें न्यू क्लिक करना है।
फिर आपको रियल मी ओप्पो वाले पे क्लिक करना है, वन प्लस वहाँ दिख जाएगा। वहाँ दिखने के बाद आपको सेकंड फ़ोन से आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने में कनेक्टिंग का वेट करना है। वेट करने के बाद सारा सिंक हो जाएगा, तो इसमें जितना भी डाटा है आपको अनटिक कर देना है, सब अनटिक कर देना है। फिर एप्लीकेशन के अंदर जा देना, एक बार क्लिक करना है एप्लीकेशन पे और सारे एप्लीकेशन को अनटिक कर लेना है। आपको अनटिक करने के बाद आपको सारे एप्लीकेशन को अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद आपको कोई भी एक एप्लीकेशन सेलेक्ट करके डन कर देना है। डन करने के बाद सेंड कर देना है। सेंड करने के बाद यहाँ थोड़ा टाइम लगेगा अपग्रेडिंग डाटा ट्रांसफ़र, थोड़ा सा वेट करना है सिर्फ आपको। जैसे कि देख सकते हो कि इधर से डन हो चुका, तो आप इधर डन कीजिए, फिर उसमें थोड़ा टाइम लगेगा आपको जो सेटअप हुआ है नया फोन में। देर बाद इसमें माइग्रेट लिख के आ जाएगा। माइग्रेटिंग डाटा, तो थोड़ा सा और वेट कर लेना। स्वाइप डाटा 99.9%, जैसे कि हो सकता है माइग्रेटिंग कंप्लीट, तो आपको डन कर लेना है। डन करने के बाद आपको सिंपल से सेटअप कर लेना है, जैसे आपके आप न्यू फ़ोन सेटअप करते हो, तो आपको स्किप कर देना है। लॉक लगाना है जो लगा सकते हो, या तो स्किप कर सकते हो। फिर डन करना है, डन करने के बाद स्किप कर देना है। फिर आपको स्किप करने के बाद गेट स्टार्ट पे कनेक्ट करना है, आपका फ़ोन फुल्ली रेडी हो जाएगा। फिर आपको नॉट नाउ पे क्लिक करना है। ओके, फिर आपको सब कुछ कैंसिल कर देना है, बैक से मिनिमाइज कर देना। मिनिमाइज करने के बाद आपका देख सकते हो कि फ़ोन फुल्ली ओपन हो चुका है। अगर तब भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है चलाने में, तो आप इसे एक बार फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हो। अब की बार कोई भी पैटर्न, कोई भी FRP अनलॉक नहीं मांगेगा। जैसा कि देख सकते हो ये फुल्ली रेडी है। बाकी अगर आपको चलाने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो एक बार आप हार्ड रीसेट इसे कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए।